आपके स्कूल खत्म हो जाए बैक टू आप अपने मतलब कहते हैं ना प्रचंड रूप में आ जाना, क्योंकि अब आपके पास समय बहुत ज्यादा कम है। देखो सितंबर ऑलमोस्ट टू दी एंड है, अक्टूबर एंड नवंबर दो ही महीने हैं, उसके बाद आपकी प्री बोर्ड स्टार्ट हो जाएंगे, फिर जेई मेंस, फिर बोर्ड, फिर मतलब अब आपको ये चीज फील आनी स्टार्ट हो गई होगी कि अब वो जो समय था आपका डेढ़ साल का वो कहीं ना कहीं खत्म, दो साल की जर्नी आपकी ऑलमोस्ट टू दी एंड आ चुकी है बेटा, ये अब आपको फील हो जाना चाहिए। अगर आपके पास कहीं पर भी कोई सा भी मौका मिलता है जहां पर आप समय व्यर्थ कर सकते हैं, प्लीज मत करिएगा, क्योंकि इस चीज को आप रिग्रेट करेंगे अपनी लाइफ टाइम। ये आखिरी के 5-6 महीने जो बच्चा सीरियस होकर पढ़ जाता है, मैं लिटरली बता रहा हूँ, पूरे 2 साल को आप कवर अप कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि यही 5 महीने में ही करा जाता है, ऐसा नहीं है। कुछ बच्चे स्टार्टिंग से सीरियस होंगे तो उनके लिए आसान पड़ जाएगा, जो लोग बीच में थोड़े बहुत इधर उधर हो गए उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, और जिन्होंने अभी भी नहीं संभाला उनके लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा यहां से बाउंस बैक करना। ठीक है, जबरदस्ती अपने अंदर ये कॉम्प्लेक्सिटीज मत डालो कि एग्जाम होगा, डर लगेगा, कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा। अभी भी मैं कह रहा हूं आप प्रोसेस के थ्रू ही जाइए, आपको जो पढ़ाया जा रहा है उसको शिद्दत से पढ़िए। ठीक है, उससे बेटर कोई चीज नहीं हो सकती। जबरदस्ती आप अपने आप के लिए स्ट्रेस पॉइंट्स इंक्रीज कर रहे हैं कि यार एग्जाम में क्या मिलेगा, कैसा क्वेश्चन आएगा, टफ होगा, इजी होगा, क्या रैंक आएगी, कॉलेज क्या, ये सब बाद की बात है और वो कहीं ना कहीं इवेंचुअली आपको फेस करनी ही है। ठीक है, उसको आप प्री प्लान करके आप उसको खत्म नहीं कर सकते। अभी राइट नाउ जो आप प्रेजेंट में जी के अपना सिलेबस को अच्छे से कर सकते हैं वही आपके हाथ में है, और प्लीज आप जबरदस्ती अपने लिए स्ट्रेस पॉइंट्स क्रिएट मत करिए। अब ये है ना, जो बच्चे कहेंगे सर हमें टाइम चाहिए, अरे भाई टाइम तो आपको मिला ही था। ठीक है, जो बच्चा अपनी रेडीनेस रखेगा कि यार कि कल भी या एक हफ्ते बाद भी अगर मेरा पेपर हो जाए, ठीक है, तो मैं देने के टेम्परमेंट मेंटेन रखता हूं और मैं उस चीज को करता हूं, वही कहीं ना कहीं आगे बढ़ जाएगा। राइट, अब जेई मेंस का जैसी डेट आएगा उसके बाद आप लोग पैनिक करना स्टार्ट करेंगे, क्यों, क्योंकि जब तक डेट नहीं आ रहा है तब तक आप कहेंगे अरे हो जाएगा ना, जब होगा होगा। राइट, आप समझ लीजिए आपका एग्जाम अब बहुत पास आ चुका है, अब आप कोई भी टाइम वेस्ट करने का ऑप्शन नहीं रख सकते।